हाय एवरीवन, स्वागत है आपका स्टूडेंट मॉड्यूलेटर के यूट्यूब चैनल पे। इट्स नितिश हियर एंड आई वेलकम यू टू द स्टूडेंट मॉड्यूलेटर यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है तो वो देख लेते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। और जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे पॉलिनॉमियल के रिगार्डिंग, उसमें हम लोग पहले टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कैसे जीरोज़ फाइंड करते हैं, हाउ टू डू लॉन्ग टर्म डिविजन, ये सब वगैरह देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून टू द स्टूडेंट मॉड्यूल। पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनॉमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जो दो चीज़ को कंसिस्ट करता है। एक होता है मेरा कांस्टेंट और दूसरा होता है मेरा वेरिएबल। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, पाई है, ये सब मेरा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और वेरस जो वेरिएबल होता है, जैसे कि एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एन होता है, ये सब मेरा क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। इस सबका वैल्यू वैरी नहीं करता है, इसलिए सबका वैल्यू वैरी करता है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? वेरिएबल पड़ गया। ठीक है। टर्म डिग्री, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन अ गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो डिग्री होगा वो किसी भी वेरिएबल का क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा। जैसे कि एक इक्वेशन अगर आपको कोई दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें 2 जो है वो क्या है? हाईएस्ट पावर है। तो 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, देयरफॉर 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। 2 क्या हो जाएगा? मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अगर x टू द पावर 100 है, प्लस 3x है, स्क्वायर है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो मेरे पास वेरिएबल x है और x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है? x का सबसे हाईएस्ट पावर जा रहा है 100, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मेरा डिग्री क्या हो जाएगा? मेरा 100 हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं जीरो का। व्हाट इज जीरो? तो जीरो इज द वैल्यू फॉर विच द पॉलिनॉमियल बिकम्स जीरो। तो किसी भी एंटायर पॉलिनॉमियल का वैल्यू, अगर वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, तो जिस वैल्यू के लिए हो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। कहीं कहीं पे इसका नाम रूट देता है या रूट्स देता है। तो रूट्स और जीरो सेम बात है। तो रूट्स और जीरो इज द वैल्यू फॉर विच पॉलिनॉमियल बिकम्स जीरो। ठीक है। अब आता है पॉलिनॉमियल का डिवीजन। पॉलिनॉमियल को हम लोग फर्दर कितना में डिवाइड कर सकते हैं? तो किसी भी पॉलिनॉमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन डिवाइड। ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 है, तो उस पॉलिनॉमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल जिसका जनरल इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के एक जनरल सामान्य इक्वेशन जो होता है वो दिया जाता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये क्या है? इसका एक जनरल इक्वेशन है। ठीक। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आपको लिख के दिखाएं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो x का सबसे हाईएस्ट पावर है 1, इसीलिए इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1। और ये पॉलिनॉमियल भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगला जो है वो है मेरा डिग्री 2। तो डिग्री 2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका जनरल इक्वेशन दिया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्या दिया जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक। अब जो तीसरा चीज आता है तो वो होता है डिग्री इज इक्वल टू 3। डिग्री इज इक्वल टू 3। तो अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का डिग्री अगर 3 चला जाता है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जिसका जनरल इक्वेशन दिया जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? मेरा डिग्री कितना है? 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। तो इसका डिग्री है 3, तो इसलिए इसका नाम हम लोग दे दिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब आता है हम लोग का क्या? ये आ जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसका डिग्री क्या होता है? 4। तो जिस भी पॉलिनॉमियल का डिग्री 4 हो, ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका जनरल इक्वेशन दिया जाता है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? इसका जनरल इक्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का? तो हाईएस्ट पावर एक्स का चला गया 4 पे, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 4 हो गया। डिग्री 4 हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाई क्वाड्रेटिक पड़ गया। ठीक।
अब एक रिलेशनशिप पढ़ना है किसके बीच में, डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस के बीच में, ठीक। तो अब हम लोग फर्दर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस। तो कहीं पे भी जो डिग्री होगा वो क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस को, यानी जितना डिग्री होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ क्या होगा, जीरोस होगा। तो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री होता है 1, तो जीरो भी क्या हो जाएगा, 1, एक ही जीरो होगा, इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक होगा, उसका डिग्री होता है 2, तो जीरो भी कितना होगा, 2 अल्फा कॉमा बीटा। क्यूबिक के लिए डिग्री होगा 3, इसको ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये मेरा हो गया 4, ठीक है। गामा कॉमा डेल्टा, सॉरी एक आई फॉरगॉट, ठीक है, एक भूल गए थे, तो ये आ गया मेरा डेल्टा, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिग्री हो गया 4, तो यहाँ पे मेरा रूट्स भी कितना होगा, जीरोस भी कितना होगा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा, 4 मेरा रूट्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग आता है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री एंड नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, जीरोस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है क्या, 3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 क्या है, डिग्री है, तो 2 क्या है, मेरा हाईएस्ट पावर है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ जीरोस। तो जितना मेरा डिग्री हो जाएगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे डिग्री भी जो होगा वो 2 होगा, और जो जीरो भी होगा वो मेरा क्या होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा, डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स टू द पावर 2l माइनस एक्स टू द पावर 11 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दो तरीका का आंसर है, ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो शायद आपको लगेगा कि इसका जो डिग्री है वो है 2l, तो जीरो भी कितना हो जाएगा, 2l, जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत है। कैसे, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, एक्स टू द पावर 2l माइनस एक्स टू द पावर 11 इज इक्वल टू 0, तो अगर ये पार्ट, इसको अगर हम RHS में भेज दें, तो एक्स टू द पावर 2l इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 11 होगा, ये 11 12 भाई, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद ये आ गया क्या, मेरा x इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं मेरा इक्वेशन है किस फॉर्म में, एक्स टू द पावर 1 के फॉर्म में है, जहाँ पे x, एक्स के ऊपर डिग्री कितना है, मतलब पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिग्री है वो भी 1 है, और जो जीरो है वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, पॉलिनॉमियल जो होता है वो पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट को कंसिस्ट करता है, वेरिएबल को कंसिस्ट करता है, वे ठीक है। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होता है वो उसका हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वेर जो जीरो होता है वो ऐसा वैल्यू होता है पॉलिनॉमियल के लिए का, जिससे पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि अगर डिग्री 1 है तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं, डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, जिसका मेरा जनरल इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। डिग्री अगर 4 है तो वो मेरा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसका जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस। तो जो डिग्री होगा वो नंबर ऑफ जीरोस के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि जितना भी डिग्री होगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। यानी लीनियर पॉलीनोमियल के लिए डिग्री होता है 1, तो नंबर ऑफ जीरो 1, एक जीरो है तो उसको अल्फा लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, डिग्री 2 है तो जीरो भी हो जाएगा, 2 अल्फा और 1 बीटा। वैसे ही क्यूबिक है, डिग्री 3 है, 3 जीरो होगा, अल्फा बीटा गामा। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 है तो 4 जीरो होगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 जीरो हो गया। बाकी हमने इधर दो क्वेश्चन देखा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के ऊपर में होगा। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कोफिशियंट और इसका रूट्स का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कितना तरीका से करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये ज़रूर रखिएगा कि आप स्टे ट्यून रहे, क्योंकि जो भी मेन टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि अगला वाला जो वीडियो होगा पॉलीनोमियल का, वो मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रीवियसली आ चुके हैं, वो सब क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आप लोग तब तक इस चैनल पर बने रहेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के भी वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, तो आप उसके लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग की टीम रेगुलर ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अब हम लोग के वीडियो रेगुलर आएंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।